मैं आपको आज लंबे बालों में लेयर, अच्छी सी लेयर जैसे मेरी दिख रही है ऐसी ही लेयर आपको आ जाएगी। आप अपने से इस कटिंग को कर सकते हैं और लेंथ भी आपकी एक भी नहीं कट होगी, केवल जो आपके रफली बाल ऊपर के हैं वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि बाल को पीछे करके पूरे बाल को यहाँ से पीछे तक पूरा एक मार लगानी, ये इस तरह से, समझ आ गया ये, ठीक है। ये पूरे बाल को आप निकाल लिए, इधर से भी ऐसे बाल सुलझे हुए नहीं है, उलझे हुए नहीं है। अब इस बाल को हमको क्या करना है, ये पीछे से ये ऐसे लेना बाल ऊपर की ओर, ये सामने, पूरे इस बाल को हमको सामने करना है पूरे, अच्छी तरह से कॉम करना है बाल, कहीं अच्छे से फंसे हो तो खुल जाए और अच्छे से निकल जाए इस तरह से। आपको बाल लेने हैं, ओके, इस तरह से बाल ले लिए, ओके। अभी इस बाल को क्या करना है, आपको ये बड़ा कंघा लेना है, इससे भी थोड़ा सा छोटा होगा कंघे को तो चलेगा, सामने तक बाल को लाना है। आपकी लास्ट कटिंग के मोमेंट ये दिख रहा है, ये लास्ट कटिंग आपकी, मैंने यानी बाल की लेंथ है ये आपकी, यहाँ से ये, इसको आपको टर्न करना है तीन दो बार, एक और ये दो, और लेयर करना हो अगर बालों को तो आप एक एक टर्न और कर सकते हैं, एक दो और ये तीन, पर बाल कंघी खसकनी नहीं चाहिए, आपकी सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद आप ये बालों को क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और ये टर्न करके इस बालों को कट करेंगे, एक्स्ट्रा बाल को। एक मिनट मैं फिर से करती हूँ, फिर से बताती हूँ आपको, लिए आप कंघी को पूरे टर्न करें, बालों को माथे से ऐसे लिए, ठीक ये, ओके, फिर एक दो और ये तीन, ये ठीक, बाल ऐसे रहेंगे। फिर थोड़ा सा पास कर लीजिए आप इसको, क्योंकि टाइट हो जाता है बाद में, ये ऐसे, ओके। अब ये आपकी लेयर निकल गई, मैं इसको इतना कट करूँगी, ये बाल को खींचिए, ये ठीक है, ये देखिए, कट गया। अगर ये थोड़ा छोटा बड़ा है तो उसको काट लेना है, उनको उसको काटने के बाद इस कंघी को निकाल देना है और इसको ऐसे सीधा करके और ऐसे से थोड़ा सा जिग जैग कर देना है, तो इस बार को हम साइड करके ये खोलेंगे और यहाँ से ये लेयर को ऐसे निकालेंगे। देखिए आया लेयर दिख रहा आपको, ये मेरी लेंथ जितनी थी मैंने उतनी ही रखी है, बस थोड़ा सा कट करा है और आपको दिख रहा हो इस तरह से, ये मेरे बालों के एक प्लाट, हाँ ये दिख रहा है इस तरह से, ये दिख रहा है इसी तरह से, ये देखिए अपने आप कट दिख रही है, लेयर भी बोलते हैं, ये देखिए पूरी लेयर है, एक तरह से लेयर, ठीक।
देखिए जब हम इसको पीछे करेंगे पूरे घूम करके पहले अच्छे से, क्योंकि वो बाल आगे आए हुए थे जो कि अंदर की ओर डले हुए हैं तो पूरे दिख नहीं रहे हैं। ये हो गया पीछे से आपको दिख रहा है इस तरह से करेंगे। ये रहे मेरे बाल, लेंथ उतनी ही है बट नहीं, अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा भीगी करता था, और अगर आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा घी ना हो और थोड़ा सा युवा है ना, उसके लिए आपको पूरे बाल अच्छे से कॉम करके पूरे बालों को लाना है सामने की ओर और इस तरह से इसको मिलाना है, ये इस तरह से मिला के इसको हल्का सा करना है, हल्का सा चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करना होता है। उसके बाद ये अगर आप चाहते हैं कि आपके लेयर और छोटे हों तो आप इसको लेके इतने ही बाल यहाँ से इसको लेंगे और इस बालों को आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली है, ये टर्न करिए ऐसे टर्न करिए, जैसे जितना आप टर्न करेंगे उतना ही आपका वो लेयर बहुत अच्छी आएगी, ऐसे लेयर आएगी। और ये कट कर दीजिए, ये चीज़ ये देखिए भी शेप में आएगा, आएगा भी शेप में ये। उसके बाद आप चाहते हैं थोड़ा सा स्टेप आप दे सकते हैं ऐसे करके कट करके, इसी तरह से मैं भी इधर भी करूँगी तो मेरा इधर का हाथ थोड़ा सा ऐसे सही नहीं होता है इसलिए इस तरह से कट करे जाएगा इसको। इसको शायद साइड मांग निकालिए और निकली आएगा। आई होप आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी है।